एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज फिर से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन और ब्लॉक टू से है। और पेपर हमारा वही फर्स्ट चल रहा है, 041 फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो इस वीडियो में हम जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पर की पॉइंट भी लिए हैं, उनको भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह के इम्पोर्टेंट MCQs का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा है, हाउ मैनी कैलोरीज पर डे प्री स्कूलर नीड, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनको कितनी कैलोरीज की नीड होती है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है 1200 से लेकर के 1400 तक, 1000 से लेकर 1400 तक, 14 से लेकर के 1600 तक, और डी ऑप्शन है आपके सामने 1600 से लेकर 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1000 से लेकर के 1400 कैलोरीज की प्री स्कूलर जो बच्चे होते हैं उनको जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन ओल्ड एज, ओल्ड एज के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ज्यादा होती है। तो प्रोटीन की होती है, फैट की होती है, विटामिन की होती है, या कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो जो ओल्ड एज में है वो क्या होती है, विटामिन्स की ज़्यादा नीड होती है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा आपको मैं एक छोटी सी और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड ही ये एक पिरामिड है, जो क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट किस किस तरह से होती है, फर्स्ट फेज पर, सेकेंड फेज पर, थर्स्ट और फोर्थ जो इसके लेवल हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कौन कौन से फूड आते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है पिरामिड का, उसके अंदर क्या होते हैं, सीरियल्स आते हैं, ब्रेड्स आते हैं, राइस आते हैं, पास्ता ग्रुप, जितने भी अपन सीरियल्स हैं, अनाज हैं, वो कौन से उसमें आते हैं, जिनसे क्या मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो ये जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट लेवल का होता है। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो होता है सेकेंड लेवल पर। सेकेंड लेवल पर क्या आते हैं, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल कौन से लेवल पर आएंगे, सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसके बाद आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर आते हैं जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो क्या आते हैं, थर्ड लेवल पर आते हैं। और फोर्थ लेवल पर क्या होते हैं, फैट और ऑयल्स हैं और स्वीट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जो अपनी डाइट में लेते हैं वो क्या लेते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सीरियल्स आते हैं, उसके बाद क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट्स है, उसके बाद है मिल्क है, और सबसे लास्ट में क्या है, पिरामिड के ऊपर ही ऊपर क्या है, फैट और ऑयल होते हैं। तो ये क्या है, एक फूड पिरामिड है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो फूड पिरामिड है उसके फर्स्ट लेवल पर कौन से आते हैं, तो ऑप्शन में दे देता है फैट्स आते हैं, मिल्क आता है, वेजिटेबल्स आता है, या सीरियल्स आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आप बताएंगे वो क्या हो जाएगा, सीरियल्स, राइस है, ब्रेड है, वो क्या होते हैं, फर्स्ट पैरामीटर। कई बार क्या होता है, सेकेंड लेवल का पूछ लेते हैं, थर्ड लेवल का पूछ लेते हैं, तो और फोर्थ लेवल का भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से लेवल पर कौन सा फूड प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया फूड पैरामीटर के बारे में, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम क्या करें, फास्ट फास्ट क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में ICDS स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1965 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी है 85 में, और या डी है 1995 में। तो इसका जो सही आंसर, अगर आपको इसका आंसर आता है, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1975 में ICDS लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ICDS gives immunization services. ICDS है, ठीक है, ICDS की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। तो ये जो इम्यूनाइजेशन देती है वो किस किस को देती है? आप ए ऑप्शन है, चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर को देती है, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को देती है, बोथ ए एंड बी को देती है, नन ऑफ दीज को देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है उनको क्या देती है? इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ICDS प्रोग्राम कवर अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन। अर्बन और रूरल एरियाज में कितनी पॉपुलेशन को ICDS प्रोग्राम कवर करता है? आपको ऑप्शंस के सामने, आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, आप बताइए इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके 1 लाख पॉपुलेशन पर, और बी ऑप्शन में 1,50,000 पर, या फिर 2 लाख पर, या फिर 2.5 लाख पर, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन को ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है ICDS? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 लाख पॉपुलेशन को क्या करती है? ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अर्बन और रूरल एरियाज में। ना इसके बाद अब हम थोड़ा सा ICDS के बारे में और देख लेते हैं कि ICDS अगर क्या है और इसकी सर्विसेज क्या क्या है और किस किस को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो ICDS है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम कह सकते हैं, ठीक है। सर्विंग क्या करती है? 0 से 6 ईयर और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को अपनी सर्विसेज क्या करती है? प्रोवाइड करती है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है, प्री स्कूलर एजुकेशन देती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन देने का काम करती है। इसके अलावा ये इम्यूनाइजेशन करती है, हेल्थ चेकअप्स करती है, और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसकी सर्विसेज हो गई ICDS स्कीम की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर सीवरेली माल नरिश चिल्ड्रंस 6 मंथ टू 72 मंथ। तो कितने कैलोरीज की जरूरत होती है अगर कोई बच्चा कितना है 6 मंथ से लेकर 72 मंथ का है और क्या है? माल नरिश है, तो उसको डेली रिक्वायरमेंट में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन ए है आपके सामने 600, बी ऑप्शन है 700, और सी ऑप्शन है 800, और डी ऑप्शन है 900। तो कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी 6 मंथ से 72 मंथ का कोई बच्चा है, मतलब 6 महीने से लेकर 6 साल तक का कोई बच्चा है, तो उसको कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी अगर वो माल नरिश है, सीवियर माल नरिश है, तो उसको पड़ेगी एनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 800 कैलोरी की इसको नीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली इज, ठीक है, जो डेली में कितनी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है एल्डरली, ओल्ड एज में डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 1000 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एल्डरली में कितनी डेली रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी प्रोटीन की? तो प्रोटीन की क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए है आपके 1 से लेकर 2 ग्राम है, 3 से 4 ग्राम है, 5 to 6 ग्राम है, 7 to 8 ग्राम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 से लेकर 2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ओल्डरली एज में, ठीक है, ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनको। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर टोडलर, जो टोडलर होते हैं, ठीक है, टोडलर किसको बोलते हैं? कितनी एज तक के जो बच्चे होते हैं उनको टोडलर बोलेंगे। 1 से लेकर 3 ईयर तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं? टोडलर होते हैं, ठीक है। तो टोडलर है तो उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ऑप्शन ए है 500 से 1000 तक, बी ऑप्शन है 1000 से लेकर 1200 ग्राम तक, सी ऑप्शन है 1000 से लेकर 1400 ग्राम, और डी ऑप्शन है 1400 से 1600 ग्राम इसकी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी टोडलर को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, 1000 से लेकर 1200 कैलोरीज की इसको जरूरत पड़ेगी जो टोडलर बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन पर डे फॉर टोडलर, टोडलर है उसको प्रोटीन की कितनी जरूरत पड़ेगी? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें एनर्जी की जरूरत थी, अब है प्रोटीन, कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसको? ऑप्शन ए है 0.55 ग्राम पर केजी पर डे, और बी है आपका 1 ग्राम, सी ऑप्शन है 2 ग्राम, और डी ऑप्शन है 3 ग्राम पर केजी पर डे। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? डेली रिक्वायरमेंट फॉर द टोडलर, टोडलर को जो डेली रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
0.55 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे टू इन्फेंट रिक्वायरमेंट। एक इन्फेंट है, इन्फेंट की एज क्या होती है, 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो क्या होता है, इन्फेंट होता है, तो उसको कितनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। ऑप्शन ए 35 ग्राम, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 37 और डी ऑप्शन है 38। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 37 ग्राम पर डे उसको किसकी जरूरत होगी, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी एक इन्फेंट के लिए। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनाइजेशन एमएमआर इज गिवन टू चिल्ड्रंस। ठीक है, कितने महीने पर दिया जाता है एमएमआर का इम्यूनाइजेशन। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मम्स मीजल रूबेला, तो ये जो दिया जाता है कौन से मंथ पर दिया जाता है चिल्ड्रन को, 3 मंथ पर दिया जाता है, ऑप्शन बी है 6 मंथ पर, 9 मंथ पर या 12 मंथ पर। एमएमआर का जो इम्यूनाइजेशन है कितनी मंथ पर दिया जाएगा, तो इसकी जो डोज होगी वो होगी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9 मंथ के ऊपर क्या देते हैं एमएमआर दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ और क्या देते हैं 9 मंथ पर, इसके साथ हम क्या करते हैं विटामिन ए की डोज भी दी जाती है, फर्स्ट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडोलेसेंट्स बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट। जो एडोलेसेंट्स बॉयज होते हैं, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या है आपको लर्न करनी पड़ेगी और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक न एक देखने को जरूर मिलेगा। तो जो एडोलेसेंस बॉय है उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है फैट की, ऑप्शन ए है 20 से लेकर 35 तक, बी ऑप्शन है 25 से 30%, सी ऑप्शन है 25 से लेकर के 35% है और डी ऑप्शन है आपके सामने 30 से लेकर के और 40% तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, फैट की कितनी जरूरत पड़ती है एक एडोलेसेंस बॉय को, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25 से लेकर के 35% फैट की नीड होती है एक एडोलेसेंट बॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस गर्ल को कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, एक गर्ल है उसको प्रोटीन की जरूरत कितनी होगी, ऑप्शन ए है 40 से लेकर 55 तक, बी ऑप्शन है 45 से 60, सी ऑप्शन है 30 से 45 ग्राम और डी ऑप्शन है 50 से लेकर 60 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 45 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है एक एडोलेसेंट गर्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडोलेसेंस बॉय डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एडोलेसेंस बॉय है उसको कार्बोहाइड्रेट की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो कार्बोहाइड्रेट की जो नीड होगी वो क्या होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 45 से लेकर के 65% क्या होती है, जितनी प्रोटीन की नीड एडोलेसेंस गर्ल को होती है उतनी ही कार्बोहाइड्रेट बॉयज को नीड होती है। तो इस तरह से आप को रिलेटेड कर करके क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी। कैलोरी की कितनी जरूरत होती है एक एडोलेसेंट गर्ल है, तो ऑप्शन ए है 1800 होती है या 2000 होती है, सी ऑप्शन है या 2100 किलो कैलोरी होती है, डी ऑप्शन है 22 किलो कैलोरी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 5 सेकंड आपके सामने आपको आंसर देने के लिए देती हूँ, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। एक एडोलेसेंस गर्ल है उसको कितनी कैलोरीज की नीड होती है डेली कैलोरीज की कितनी नीड होती है, तो उसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2200 किलो कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट होगी कैलोरी की एक एडोलेसेंट गर्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीईएम।
पीईएम का क्या कारण है? पीईएम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है पीईएम? पीईएम होता है प्रोटीन एनर्जी माल नरिश, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट की क्या कारण हो सकते हैं? पुवर्टी हो सकती है, लार्ज साइज फैमिली हो सकती है, रिक्वायरमेंट सॉरी फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है, या ए एंड सी बोथ दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें पुवर्टी पुवर्टी हो सकता है अगर कोई इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, ठीक है, और उसको बार बार क्या हो रहा है इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होती है प्रोटीन एनर्जी माल नरिश हो सकता है, लेकिन ये कोई कारण नहीं हो सकता। लार्ज साइज और फैमिली ये भी मतलब हम कह सकते हैं इसको, लेकिन इतना अप्रोप्रिएट क्या है इसका आंसर नहीं है। अगर लार्ज फैमिली है और उसमें जो फैमिली मेम्बर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, अच्छे कमाते हैं, तो क्या होगा उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो आपस में क्या कर सकते हैं, वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो कारण है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो क्या होगा, पुवर्टी और रिक्वायरमेंट सॉरी फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे ना। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट ग्रेड का जो माल न्यूट्रिशन होता है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो सबसे पहले हमें ये जान लें कि आखिर माल न्यूट्रिशन होता क्या है। जो माल न्यूट्रिशन है वो क्या होता है कि प्रोटीन और एनर्जी की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो माल न्यूट्रिशन को भी हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड थर्ड और फोर्थ ग्रेड के अंदर। तो जो फर्स्ट ग्रेड का जो माल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसमें जो वेट होता है वो क्या होता है। अगर वेट अकॉर्डिंग टू द एज 80% से क्या हो जाता है, ज़्यादा है, तो वो कौन सी कंडीशन में आता है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा अगर वो 71 से लेकर के 80 के बीच में है तो वो क्या आएगा, फर्स्ट ग्रेड में आएगा, और ये क्या होता है, माइल्ड माल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको। सेकेंड ग्रेड में क्या देखते हैं हम, 61 से लेकर के 71 के बीच में उसका वेट है परसेंटेज में, तो वो क्या होता है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन होता है, और ग्रेड कौन सी आती है उसकी, सेकेंड ग्रेड में होता है। फिर है 51 से 60 के बीच में अगर है परसेंटेज, 51 से लेकर के 60% के बीच में अगर उसका वेट है अकॉर्डिंग टू द एज उसकी, तो वो क्या आ जाएगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन में आएगा, और वो कौन से ग्रेड में होता है, थर्ड ग्रेड माल न्यूट्रिशन में होता है। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, 50 से अगर कम है तो वो कौन सी ग्रेड में आता है, फोर्थ ग्रेड में आता है, और ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वेरी सीवियर माल न्यूट्रिशन की होती है। तो ये हमने क्या देखा था, यहाँ पर ग्रेड्स देख लिए माल न्यूट्रिशन के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड। तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इसमें। तो जो फर्स्ट ग्रेड का जो माल न्यूट्रिशन है वो किसके बीच में होता है, 71 से लेकर के 80% के बीच में अगर उसका वेट है किसी भी चाइल्ड का, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 71 से लेकर के 80%, ठीक है। तो आपको इसके ग्रेड सारे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला हमारा क्वेश्चन है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ अ माल नरिश चाइल्ड इज, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है वो क्या है, इसको किस तरह से मेजर किया जाता है इसके द्वारा। इसके थ्रू क्या होता है कि इसमें एक टेप यूज की जाती है जिसको साकिर टेप के नाम से जानते हैं, और इस साकिर टेप में क्या होते हैं, थ्री कलर्स होते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये रेड कलर है, येलो कलर और ग्रीन कलर है। इसमें जो मेजरमेंट होता है वो किस तरह से होता है कि अगर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को हम क्या करते हैं, जो आर्म होती है उसके मिड में से क्या करते हैं, बच्चे का मेजरमेंट करते हैं आर्म का, और ये जो हम मेजरमेंट करते हैं एक से लेकर के पाँच साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट करते हैं। अगर ये वाली जो वैल्यू है वो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 13.5 होती है। अगर 13.5 से नीचे आ रहा है, ठीक है, मेजरमेंट, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाता है, माल नरिश की कंडीशन में आता है। अगर ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से सुने, इसमें तीन कलर्स होते हैं, रेड कलर, येलो कलर और
ग्रीन कलर, जो रेड कलर है वो किसको शो करता है, ये करता है सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन को करता है, और ये जो येलो कलर है वो किसको करता है, मॉडरेट अक्यूट माल न्यूट्रिशन को करता है, और ग्रीन कलर क्या है वो करता है किसको, किसी भी तरह का कोई माल न्यूट्रिशन नहीं होता अगर ग्रीन कलर में है। और जो ग्रीन कलर है वो कहाँ आता है, 13.5 सेंटीमीटर से अगर ऊपर है तो कौन सा कलर में आएगा, ग्रीन कलर में आता है। ठीक है, 13.5 से अगर और 12.5 के बीच में है तो क्या है, बॉर्डर लाइन में है और येलो कलर में आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट अक्यूट माल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर यही वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन 12.5 आती है, ठीक है, 12.5 से नीचे अगर आती है तो किस में आ जाता है, ये रेड में आ जाता है, और उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, माल नरिश के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, 12.5 से कम, अगर 12.5 से कम आ रहा है इसकी वैल्यू, जब हम इसको मेजर करते हैं साकी टेप से, तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, वो आ जाएगा माल नरिश की कंडीशन में। और अगर 11.5 से भी क्या आ रहा है, 11.5 आ रहा है तो वो क्या आ जाता है, बहुत ही सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में आता है। ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, इसकी वैल्यू जैसे ही 11 तक जाती है, ठीक है, 11 पर गई है, 11, 10, 9, और ये किस में आ जाता है, सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन में आ जाता है। और 12 किस में आता है, 12 आता है येलो में, बॉर्डर लाइन, जैसे ही येलो का कलर इसको क्रॉस करेगी तो वो किस में आ जाता है, सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन में आ जाता है। और 12 से जैसे ही हम 13, 14, 15 की तरफ जाएंगे तो वो क्या आ जाता है, ग्रीन कलर में आता है, और ग्रीन कलर में किसको शो नहीं करता, माल नरिश को शो नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है कि इसमें जो हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस में जो टेप यूज करते हैं उसका नाम क्या है, साकीर टेप है। ठीक है, और उसमें जो मेजरमेंट होता है वो कौन से, कितने कलर के यूज होते हैं, इसमें तीन कलर इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। रेड कलर किसको शो करता है, रेड कलर शो करता है सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन को, और येलो कलर किसको शो करता है, मॉडरेट को करता है, और ग्रीन कलर किसी भी माल न्यूट्रिशन को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, मिडिल आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ ए माल नरिश चाइल्ड, एक माल नरिश चाइल्ड है, उसका क्या करें, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक किया तो किसके बीच में आता है, जब उसको हम माल नरिश के लिए में उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए है 11 सेंटीमीटर आता है, या लेस देन 12.5 सेंटीमीटर आता है, बिलो 11.5 आता है, बिटवीन 10 to 13 आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेस देन 12.5 से कम है तो किस में आ जाएगा, रेड कंडीशन में, और रेड कंडीशन किसकी होती है, माल नरिश की होती है। अगर 12.5 से क्या है, अबव है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, 12.5 से लेकर के और 13, 14, 15, 16 जो ग्रीन जोन में आ जाता है, और ग्रीन जोन क्या होता है, किसी भी माल नरिश को शो नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, और आपको इस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैंने सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मसल वास्टिंग इन मरास्मस स्टार्ट फ्रॉम, जो मसल वास्टिंग होती है, मसल वास्टिंग मतलब मसल कम होते जाते हैं, कहाँ पर, किस कंडीशन में, मरास्मस की। मैंने मरास्मस और क्वाशोकोर के बारे में भी अपने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से कि मरास्मस कौन सी कंडीशन होती है और क्वाशोकोर कौन सी कंडीशन होती है। ये दोनों ही क्या है, माल नरिश की कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और एनर्जी की क्या हो जाती है, डेफिशियंसी हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मरास्मस होता है उसमें मसल वास्टिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो मसल वास्टिंग है, ऑप्शन ऑफ क्या है आपका, एक्जिला में और ग्रोइन में, फेशियल मसल्स में, एब्डोमेन में, या फिर चेस्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्जिला और जो ग्रोइन एरिया है वहां पर मसल वास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। किसमें, मरास्मस में। जो मरास्मस का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, उसके रिब्स वगैरह है, उसके बोन्स वगैरह वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेंट्स होती है, प्रोमिनेंट होती है, सॉरी। तो वो क्या, बहुत ज्यादा शो ऑफ होती है, दिखती है। लेकिन जो क्वाशोकोर का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, उसमें ओडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिलती है मरास्मस में। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ जिसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो क्या है, मरास्मस का
पेशेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इट इज एन एक्सट्रीमली सीवियर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर इन विच हियर द सिग्निफिकेंट वास्टिंग ऑफ फैट मसल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वास्टिंग होता है किसका, फैट का भी होता है, मसल्स का भी होता है, और जो बॉडी टिश्यू है उसका भी बहुत ज्यादा क्या होता है, वास्टिंग होता है। वास्टिंग मतलब बहुत ज्यादा इसकी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है इसमें। तो इसमें बच्चा क्या होता है, बिल्कुल ही बहुत सूखा सा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कई बार सूखा रोग भी कहते हैं। द नाउ सम ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर मरासमस, इसके क्या है कुछ रिस्क फैक्टर, किन किन में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मरासमस के, कौन होता है जो क्रोनिक स्टारवेशन होता है, मतलब लगातार मतलब बहुत दिनों से क्या है वो भूखा है, उसमें भी क्या होता है मरासमस के रिस्क फैक्टर दिखते हैं या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उसमें। नाउ एडल्ट्रेटेड वाटर, ठीक है, जो वाटर है उसमें भी क्या किसी तरह का एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, या इनएडिक्वेट फूड इनटेक, विटामिन्स डेफिशिएंसी, तो ये क्या है कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनमें मरासमस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर और आपको मरासमस के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मरासमस बोलेंगे। आपको दो तीन फीचर्स हैं वो ही ध्यान रखना है, एक तो ऑडिमा है, इसमें ऑडिमा देखने को नहीं मिलता है, इसके अलावा इसमें क्या होता है गुड एपेटाइट होती है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है भूख लगती है, और इसमें जो मसल वास्टिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, मसल वास्टिंग है, फैट वास्टिंग है, ठीक है, बॉडी टिश्यू वास्टिंग है, बहुत देखने को मिलता है, इसलिए क्या है उसको सूखा रोग भी बोलते हैं, इसमें बच्चा बिल्कुल सूखा जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रोटीन डाइट लीड्स, लो प्रोटीन डाइट है उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑप्शन ए मरासमस, बी ऑप्शन है क्वाशियोकोर, सी ऑप्शन है मरासमस और क्वाशियोकोर, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर है इसका क्वाशियोकोर इज द राइट आंसर। मरासमस में क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, ठीक है, बल्कि जो क्वाशियोकोर होता है उसमें क्या होता है केवल प्रोटीन की कमी होती है, इस वजह से क्या होता है क्वाशियोकोर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वाशियोकोर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मरासमस में क्या होता है प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, बल्कि जो क्वाशियोकोर है वो इसमें क्या होती है केवल प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ओवर न्यूट्रिशंस एक्सेप्ट, आपको ऐसा बताना है ये सारे ही क्या है, और ऑल आर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ओवरडोज, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं एक और को छोड़ करके, ठीक है, एक क्या है किसी की कमी की वजह से होता है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है हाइपर विटामिनोसिस, ये भी किसकी वजह से होता है, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ओबेसिटी भी क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इसके बाद है फ्लोरोसिस भी क्या होता है, फ्लोराइड की एक्सेस की वजह से होता है। बट जो ऑप्शन डी है वो क्या है, ऑस्टियोमलेशिया है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेरीबेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, बेरीबेरी जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन डी है, विटामिन बी है, या विटामिन B1 है, या विटामिन सी है, ठीक है। तो आपको इनके सबके पता होना चाहिए इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, हड्डियों का रोग होता है, ठीक है, इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। विटामिन ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आईसाइट के लिए होता है, ठीक है। और विटामिन B1 और विटामिन सी किसके लिए, स्कर्वी रोग हो जाता है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेरीबेरी जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। तो इसको हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन ए है गोइटर, एनीमिया, टिटेनी, या फिर स्कर्वी। गोइटर आपको पता है किसकी वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बी है, और एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। टिटेनी क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और ये डी आपको पता ही है, स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, राइट आंसर होगा इसमें सी इज द राइट आंसर, टिटेनी। नेक्स्ट है सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज, जो सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इससे पहले हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था, उसकी सारी कंडीशन पढ़ ली थी, इसके अलावा हमने साकी टेप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस पढ़ा था, जिसके हम किससे चेक करते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस साकी टेप से करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं उसमें, तो माल अक्यूट है आपका, सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन है यंग चिल्ड्रंस में, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसको बोलेंगे कि उसमें
सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन हो रहा है, कौन सी कंडीशन, कौन सी क्लिनिकल फीचर्स को देख करके? तो ऑप्शन ए है वेट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन 3 है, या फिर हाइट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन 3 एंड ओडिमा, या फिर हाइट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन 3 और वेट फॉर हाइट लेस देन 3 और ओडिमा, ठीक है, या फिर डी ऑप्शन है आपका हाइट फॉर एज, ठीक है, जेड स्कोर मोर देन 3 और वेट फॉर एज मोर देन 3 और ओडिमा। तो इसमें आपको कंडीशन बतानी है कौन सी कंडीशन है जिसको हम सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो आपके सामने 5 सेकेंड का टाइम है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें कि इसका आंसर ये होगा। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हाइट फॉर एज है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग अगर उसकी हाइट 3 से कम है, जेड स्कोर में 3 से कम है और उसका वेट किसके हाइट के अकॉर्डिंग ही जेड स्कोर में कितना है 3 से कम है और उसके साथ साथ उसमें क्या आ रहा है ओडिमा आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको लग रहा है ये वाले ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि इसमें क्या है वेट फॉर एज है, ठीक है, वेट फॉर एज नहीं होता है इसमें जेड स्कोर में, ठीक है, हाइट फॉर एज इसमें दे रखा है, ओडिमा दे रखा है, लेकिन इसमें क्या नहीं दे रखा है वेट फॉर हाइट नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन जो डी है उसमें भी क्या दे रखा है, इसमें मोर देन दे रखा है, मोर देन 3 दे रखा है, बल्कि होना क्या चाहिए लेस देन 3 होना चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, हाइट फॉर ए जेड स्कोर लेस देन 3 और वेट फॉर हाइट लेस देन 3 और ओडिमा, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए ओडिमा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन कहेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी, इस वीडियो में मैंने क्या है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लिए। इससे पिछले वाले जो मैंने वीडियो डाले थे वो क्या था हमारा मॉड्यूल फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं दिखे वो क्वेश्चन भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये नहीं कि वो BPCCL कोर्स में ही आए, इसके अलावा जितने भी मेडिकल से रिलेटेड नर्सिंग के से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं कम्युनिटी के कम्युनिटी बेस पर वो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो देख सकते हो अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है आपको बताना है। इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए थायमिन, बी है आपका राइबोफ्लेविन है और सी है आपका नियासिन और डी ऑप्शन क्या है आपका फॉलिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो ऑप्शन ए थायमिन, ठीक है, बी1 है बोलते हैं इसको, इसके अलावा राइबोफ्लाविन B2 बोलते हैं, नियासिन को B3 बोलते हैं और जो फॉलिक एसिड है उसको क्या बोलते हैं हम विटामिन B9 बोलते हैं। तो जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है वो क्या किसकी वजह से होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से क्या होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन इज कॉल्ड एज, साइनोकोबालामिन होता है जो मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो दोनों की कमी की वजह से होता है, किसकी वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी होता है और विटामिन B9 की वजह से भी होता है। तो उस ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं थे, केवल B9 ही था, तो हमने सही आंसर क्या किया था फॉलिक एसिड किया था। तो इस क्वेश्चन में साइनोकोबालामिन आपको बताना है किसको बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं नियासिन बोलते हैं, विटामिन B6 किसको बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन को विटामिन B6 बोलते हैं। तो बच्चा क्या हमारा डी ऑप्शन बता, जिसको क्या बोलते हैं विटामिन B12 बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं और साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रोमलेशिया इज सीन इन यूजली इन, जो ऑस्ट्रोमलेशिया है वो किसमें देखने को मिलता है, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, अबाउ 5 ईयर चिल्ड्रंस में देखने को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में देखने को मिलता है, या 12 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस है उसमें देखने को मिलता है। जो ऑस्ट्रोमलेशिया जो डिजीज है इसमें क्या होता है बोन्स क्या हो जाती है बहुत वीक हो जाती है। ठीक है, और मोस्टली ये किसमें देखने को मिलता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो नहीं तो मैं बताती हूँ इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या देखना मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां वीक हो जाती है। इसके अलावा ऐसी जो कंट्रीज हैं वहां पर क्या होती है कि जो पर्दा पड़ता है उन लेडीज में भी क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन्स हैं उनको क्या नहीं मिल पाता है, सन लाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, उसमें विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये भी क्या है, एक ध्यान रखने वाली बात है कि इन जगह पर भी क्या हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो मोस्टली क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया की जो डिजीज है वो लेडीज में देखने को मिलती है, ठीक है। और कौन सी में, जो प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग जो मदर होती है उसमें इसकी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया कि जो ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पर पर्दा पड़ता ज़्यादा होती है वहाँ की लेडीज अपने बॉडी का, जैसे उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है तो उसमें भी क्या नहीं हो पाता है, उनमें विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो हम इसको हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, जॉइंटिस होगा, स्कर्वी होगा, कैंसर होगा या अस्थमा होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड बोन सेल्स एंड डेफिशियंसी माइट कॉज एनीमिया। मतलब किसकी जरूरत होती है, किसको बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, और उसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो सकता है। तो इसमें आपको बताना आंसर क्या होगा, इसमें ए है आयरन है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है या फिर क्रोमियम है। तो इसका जो सही आंसर है बहुत इजी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैल्शियम डेफिशियंसी कोज, कैल्शियम की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें टिटेनी है, इरिटेबिलिटी या फिर जिटरनेस, ठीक है। तो आपको इसको बताना है सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, टिटेनी रोग भी हो जाता है और इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन भी होता है और जिटरनेस, जिटरनेस का मतलब भी क्या बोलते हैं इसको, इनवॉलेंट्री मसल्स जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं जिटरनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ICDS कवर, ICDS किसको कवर करता है, ICDS में किस किस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं अपनी नेक्स्ट जो प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ICDS किस किस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए है अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस को, एडोलेसेंट्स को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को, ऑल ऑफ द अबव को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कम, नेशनल जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो कब आई थी, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए आपका सामने दे, 1993 में आई थी, 1995 में, 97 में या फिर 2001 में आई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी हैज कम। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी एब्जॉर्ब, विटामिन डी होता है वो किसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, सनलाइट किससे करता है, वाटर से, आयरन से या फिर कैल्शियम से। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडीज एब्जॉर्ब, ठीक है, किसकी वजह से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सनलाइट हेल्प करता है विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रंस आर, रिकेट्स के क्या फीचर्स होते हैं बच्चों में। ऑप्शन ए है बूजिंग ऑफ हेड, डिलेड रप्चर्स ऑफ सेकेंडरी टीथ, स्यूडो पैरालिसिस या फिर लेथार्जी। इसका सही आंसर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बूजिंग ऑफ हेड मतलब हेड का क्या होना, बूजिंग होता मतलब फूला हुआ होना, एंड डिलेड इरप्शंस ऑफ सेकेंडरी टीथ जो सेकेंडरी टीथ है उनका देर से निकलना, या स्यूडो पैरालिसिस, ठीक है। स्यूडो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है हैंड का वो 90 डिग्री से अबव अगर उसको एलिवेटेड नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्यूडो पैरालिसिस कहा जाता है। लेथार्जी है वो बिल्कुल सुस्त सा रहता है, ये भी वो कारण है कि इसका। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बूजिंग ऑफ हेड इज द फीचर्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में रिकेट्स का जो फीचर है वो क्या है, बूजिंग ऑफ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू,
फूड बोन इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? केमिकल की वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा इसका? द राइट आंसर विल बी द डी आंसर इज सही, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है? फूड बोन इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोर्ड? फूड को कौन से डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 20 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस पर, या बी है 25 से 60, सी ऑप्शन है 30 से 60, डी ऑप्शन है 35 से लेकर के 70 तक। उसका सही आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिस पर फूड को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज द बी विल बी द राइट आंसर, 25 से लेकर के 60 डिग्री टेम्परेचर पर फूड को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी इंक्लूड, फूड सेफ्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर हैंडलिंग है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर स्टोरेज है, और ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द WHO हैज डैश कीज टू सेफर फूड एट होम रेस्टोरेंट और एट ए लोकल मार्केट। लोकल मार्केट, रेस्टोरेंट है, और घर पर है, हम फूड को किस तरह से सेफ रख सकते हैं? तो WHO ने क्या दिए थे? कुछ की फीचर्स दिए थे, की पॉइंट्स दिए थे। वो की पॉइंट्स कितने थे वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, 2 है, 3 है, 5 है या 6 है। तो आसानी से आप इस चार्ट को देखकर भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कितने फीचर्स दिए थे उसने? की 5 की फीचर्स दिए थे। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और कौन कौन से की फीचर्स हैं ये, तो आपको देखना। फर्स्ट जो की है हमारी, सॉरी WHO की क्या दी थी? कीप योर हैंड एंड सरफेस क्लीन, अपने हाथ और सरफेस को कैसे रखना है? क्लीन रखना है। सेकंड की क्या है इसकी? सेपरेट रो एंड कुक्ड फूड, जो रो फूड है और जो कुक्ड फूड है उसको सेपरेट सेपरेट रखना, अलग अलग रखना है। मतलब कच्चा और पका हुआ जो भोजन है उसको क्या करना है? अलग अलग रखना है। नेक्स्ट है कुक फूड थ्रोली, ठीक है, भोजन को अच्छी तरह से क्या करना है? पकाना है। नाउ जो फोर्थ की है वो क्या है? कीप फूड एट द सेफ टेम्परेचर, फूड को क्या करना है? सेफ टेम्परेचर के अंदर। सेफ टेम्परेचर किसको बोलते हैं? ना ज्यादा ठंडे में रखना है और ना ज्यादा ही क्या करना है उनको, क्या बोलते हैं उसको, हाई टेम्परेचर पर रखना है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? एक रिक्वायरमेंट एडिक्वेट टेम्परेचर होता है, उसके अंदर ही फूड को क्या कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, और कैसे करना चाहिए? सेफ वाटर का यूज करना चाहिए, ठीक है। आपको नीचे कुछ एक और पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, क्या है? ऑलवेज वॉश योर हैंड थ्रोली बिफोर प्रिपेयरिंग फूड एंड ईटिंग, ठीक है। ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा आपको भी क्या करना है? खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले भी क्या करना है? अच्छी तरह से हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि आधी सी जो बीमारियां हैं वो अपने पेट से स्टार्ट होती हैं, और पेट का जो रास्ता है वो क्या है? खाने से जाता है। और खाने को अगर हम अच्छी तरह से पकाएंगे नहीं, अच्छी तरह से हाइजीनिक नहीं होगा, ठीक है, हैंड को आप अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हमारे पेट में चली जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो इस चीज का हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये तो थोड़ी कोई हेल्थ एजुकेशन वाली बात थी जो मैंने आपको बताइए। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग? फूड हैंडलिंग के अंदर जो डेंजर जोन होता है टेम्परेचर का, वो आपको बताना है। कौन से डिग्री टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? डेंजर जोन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इसमें है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 40 से लेकर के 140 डिग्री फारेनहाइट हाई जाइए, ठीक है। ये कंप्यूटर में इसमें लिखने में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको ये जीरो ना समझ करके क्या है, ये डिग्री है, डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 40 से 140 डिग्री फारेनहाइट में ही क्या बोलते हैं उसको? डेंजर जॉइन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डेंजर जोन है उसको डिग्री सेल्सियस में भी आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। उसको भी हम डेंजर जोन किसको बोलते हैं? डेंजर जोन हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, जल्दी से खराब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप हो गए तो क्या हो जाएगा, फूड खराब हो जाएगा। तो ऐसे जो जोन को क्या बोलेंगे हम? डेंजर जोन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, जो फूड बॉर्न इलनेस है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? ठीक है, किडनी फेलियर होता है, डायरिया होता है, स्किन डिसीज होती है, हेडेक होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से दे सकते हैं। किसी भी फूड बॉर्न इलनेस का जो मेन सिम्टम होता है वो क्या होता है? डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द लोअर रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फूड बॉर्न इलनेस के लिए क्या होता है, लोअर रिस्क पर आता है? यंग एडल्ट आते हैं, द एल्डरली आते हैं, इन्फेंट आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल विद एड्स। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, इन्फेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और जो एड्स से ग्रसित हैं इंडिविजुअल वो भी हो सकते हैं, और यंग एडल्ट भी क्या हो सकते हैं, फूड बॉर्न से ग्रसित हो सकते हैं। बल्कि जो एल्डरली पर्सन है उनमें बहुत कम देखने को मिलता है फूड बॉर्न इलनेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर इंक्रीजिंग इंसिडेंस फॉर फूड बॉर्न इलनेस हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो किसकी वजह से होती है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं फूड बॉर्न इलनेस बढ़ती है, उनके केसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ फूड इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरन कंट्रीज, ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ईटिंग इन रेस्टोरेंट, या फिर बेटर डायग्नोसिस बाय फिजिशियन। इसमें से सही आपको आंसर पता है, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो जो फूड बॉर्न की जो इलनेस है उसके बढ़ने के, उसके केस के बढ़ने के क्या कारण होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ फूड इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरन कंट्री, फॉरन कंट्री से जो फूड इम्पोर्ट होकर आता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड बॉर्न इलनेस होने के ज्यादा रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर एंड साल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेशन, शुगर और जो साल्ट है उसको प्रिजर्वेशन के तौर पर यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है, आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए है, क्लीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, डायरेक्टली मारता है क्या, या फिर इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट ऑफ फूड, या फिर जो फूड का जो वाटर कंटेंट है उसको बढ़ाता है। सी ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ फूड, फूड के जो एसिड कंटेंट है उसको बढ़ाता है, या डी ऑप्शन है, बाइंडिंग वाटर सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, कि शुगर और साल्ट को प्रिजर्वेटिव के तौर पर क्यों यूज में लिया जाता है। जो इसका सबसे एडिक्वेट या प्रॉपर आंसर कह सकते हैं वो होगा हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या करता है, वाटर को बाइंड कर देता है, ताकि क्या हो, वो जो वाटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को अपने सर्वाइव करने के लिए नहीं मिल सके। तो सबसे मेन जो कारण है उसका यही है, कि जो शुगर और जो वाटर है, जो वाटर सॉरी शुगर और जो साल्ट है वो वाटर को क्या कर लेता है, बाइंड कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर नहीं मिल पाता है। ये आंसर भी आपको ठीक लग रहे होंगे ऑप्शंस भी, लेकिन जो सबसे सटीक जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ अ फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को रोकता है, क्या एसिड, आपको बताना है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बोलता है, साल्मोनेला वायरस, या यीस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की ग्रोथ को रोकता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसेप्टिक पैकेजिंग व्हाट इज स्टरलाइज, जब इस एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, किसको पैकेज करने के लिए, तो किसका स्टरलाइज किया जाता है, फूड प्रोडक्ट का किया जाता है, द फूड सर्विस वर्कर्स हैंड का किया जाता है, द पैकेजिंग का किया जाता है, बोथ ए एंड सी का किया जाता है। तो जो स्टरलाइजर किया जाता है, स्टरलाइजेशन, वो किसका किया जाता है, एक तो फूड प्रोडक्ट का किया जाएगा और पैकेजिंग का किया जाएगा। स्टरलाइजेशन किसका नहीं किया जाता है, वर्कर्स के हैंड का स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फूड प्रोडक्ट और द पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड बॉर्न इलनेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ फूड सर्विस वर्कर कफिंग एंड स्नीजिंग ऑन फूड, जो ऐसे वर्कर जिनको कफ है और स्नीज है, जो फूड के ऊपर ही कफिंग स्नीजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कौन सी इलनेस हो सकती है। तो सही आंसर आपको बताना है इसमें, ऑप्शन ए है, स्टेफाइलोकोकस अरेओस है, या क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस है, साल्मोनेला है, या फिर ट्राइकोनोसिस। ठीक
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस अरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम ऑफ स्टेफाइलोकोकस अरियस पॉइजनिंग अकर विद इन डैश आर ऑफ फूड इंजेक्शन। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस अरियस का क्या होगा, पॉइजनिंग हो गई है, तो उसका जो इफेक्ट है कितने टाइम के बाद इफेक्ट आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, किसका, स्टेफाइलोकोकस अरियस की पॉइजनिंग का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ऑप्शन ए आपके सामने है, 1 से लेकर 2 घंटे में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या 2 से 4 में होता है, या 5 से 12, या 12 से 36 घंटे के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है स्टेफाइलोकोकस अरियस का पॉइजनिंग का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 से 4 आवर के बीच में ही क्या हो जाता है, इसके साइन सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू ट्रीट फूड बॉर्न इलनेस इज विद, जो फूड बॉर्न इलनेस हो गई है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है ट्रीट करने का, तो बेड रेस्ट है, प्लेंटी ऑफ फूड है, या एक्सरसाइज टू बर्न आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड बी। तो सही जो एप्रोप्रिएट और एडिक्वेट जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको तीनों ही आंसर सही लग रहे होंगे, लेकिन जो सबसे सटीक जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। इसमें क्या करते हैं बेड रेस्ट और इसके अलावा क्या करते हैं उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूड दिया जाता है। अ पर्सन विद अ फूड सर्व इलनेस शुड कॉन्टेक्ट अ फिजिशियन ऑफ, मतलब ऐसे कौन से पेशेंट को फिजिशियन को दिखाना चाहिए, ठीक है, जिसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से सिम्टम होने चाहिए, किसके, सीवियर इलनेस के, क्योंकि फूड सीवियर इलनेस के। तो ऑप्शन ए है, ब्लड इज प्रेजेंट इन द स्टूल, अगर उसके ब्लड स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है तब उसको फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, या बी ऑप्शन है, फीवर इज 102 डिग्री फारेनहाइट या फिर इससे ज्यादा है तब करना चाहिए, और सी ऑप्शन है, सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 2 to 3 days, या फिर 2 से 3 दिन तक लगातार सिम्टम्स उसको बने हैं इसके फूड पॉइजनिंग के, तो उसको क्या करना चाहिए, फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, या डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबाउ। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, सभी को अगर इसमें सिम्टम दिख रहे हैं, उसको स्टूल में भी है, उसको ब्लड आ रहा है, और 102 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, ठीक है, और जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 3 दिनों तक लगातार उसके बने हुए हैं, तो उसको फिजिशियन से क्या करना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उनको रोक देते हैं। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है, एल्केलाई और एसिड बनता है उसमें, या एसिड या फिर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल या एल्केलाई बनता है, या वाटर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होना, क्या होता है, एल्केलाई भी होता है और एसिड भी होता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको रोकते हैं। बी ऑप्शन ये होगा क्योंकि उसमें एसिड तो बन रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, एल्कोहल, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। दूसरा एल्कोहल और एल्केलाई है तो ये भी नहीं है, और इसके अलावा वाटर है तो ये भी नहीं है। ये सारे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और ज्यादा, हमें तो क्या करना है, उनको रोकना है। तो ऐसे कौन सी चीज बनती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं, तो वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, एल्केलाई और एसिड होता है। नेक्स्ट है, अ वायरस फाउंड इन शेल फिश फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, एक ऐसा वायरस जो किसमें पाया गया है, शेल फिश में पाया गया है, किससे, फ्रॉम कंटामिनेट वाटर, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से उसमें चला गया शेल फिश में। अब उसी शेल फिश को अगर कोई पर्सन खा लेता है, एंड फूड दैट आर हैंडल्ड बाय इन्फेक्टेड इंडिविजुअल देन ईटन रो, अगर वो उसको रो खा लेता है, कच्चा ही उसको खा लेता है, तो उसमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको बताना है इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा हो जाएगा उसको, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, या फिर हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, या फिर साइनोवायरस हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो हेपेटाइटिस ए होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है इन्फेक्टेड फूड की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम,
The process of heating milk to kill pathogen microorganism is कर दूध को क्या करना है हमें, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है हमें, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, हीटिंग के द्वारा, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए है स्टरलाइजेशन बोलेंगे, पास्चराइजेशन बोलेंगे और इरिडेशन बोलेंगे, फिर नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो जो पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या करते हैं, मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हीटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, पास्चराइजेशन। ठीक है, जो पैकेजिंग जो मिल्क आता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आता है, पास्चराइजेशन के थ्रू आता है। इसमें क्या करते हैं, मिल्क को इतना गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको कूल किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लंबे समय तक उसको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड फॉर होलसम्स एंड क्वालिटी और ग्रेन्स प्रोड्यूस मीट पोल्ट्री मिल्क एंड एग प्रोड्यूस इन द यूएस थ्रू इंस्पेक्ट एंड ग्रेडिंग। आपको बताना है ऐसी कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करती है, फूड प्रोडक्ट को क्या करती है, उसका स्टैंडर्डाइज करती है और उसको ग्रेडिंग देती है और उसको इंस्पेक्शन करती है उसका। ठीक है, उसकी क्वालिटी के लिए कि ये फूड कितना क्वालिटी है, कितनी इसमें क्वालिटी है और किसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, वो एजेंसी क्या करती है, उसका इंस्पेक्शन करने का काम करती है और ग्रेडिंग देने का काम करती है। तो आपको बताना है उस कंपनी का नाम, ठीक है, कौन सी वो एजेंसी है। ऑप्शन ए है USDA, FDA, FCS है, FSICS है या फिर EPA। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, FSIS। ठीक है, FSIS है, FSIS की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस। ठीक है, तो ये आपके इसके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये आ जाता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ FSIC। तो आपको बताना है FSIS की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड, एफ से फूड, एस से सेफ्टी, आई से इंस्पेक्शन और एस से सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफेस्ट कटिंग बोर्ड मटेरियल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बताना है आपको इसमें से कौन सा ऐसा सेफेस्ट फूड कटिंग मटेरियल बोर्ड नहीं है। तो आपको पता है मार्बल है, ठीक है, फूड वुड है, प्लास्टिक है या ग्लास है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ग्लास है। ठीक है, ग्लास को हम क्या कर सकते हैं, सेफेस्ट उसमें कटिंग बोर्ड के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है। नाउ अब हम देख लें कुछ की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो भी। ठीक है, और वो क्वेश्चंस भी आप अगर ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनके भी एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स किसको बोलते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेट इन हाइट मीटर में, या वेट पर हाइट मीटर स्क्वायर में, या फिर वेट केजी में और हाइट मीटर क्यूब में, या नन ऑफ द अबव। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इसको हम BMI भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के BMI से हम उसको किस में कंसीडर कर सकते हैं, किस में जा सकते हैं कि वो ओबेसिटी में आता है या फिर नॉर्मल वेट है उसका। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट को किस में लेते हैं हम, केजी में। ठीक है, और हाइट को किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में लेते हैं, और जो आती है उसको हम कैलकुलेट करके उसकी BMI निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल BMI होती है वो क्या होती है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है चार्ट के थ्रू, 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉर्मल रेंज में होती है। इसके अलावा अगर 18.5 से कम है तो वो क्या आ जाएगा, अंडर वेट में आएगा, और 25 से लेकर के 29.9 के बीच में तो ओवर वेट में, और ओबेज में क्या आ जाता है वो 30 से अगर ज़्यादा है उसकी BMI तो किस में आता है, ओबेज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नाउ जो ये है खसेरी दाल, जिसको लेथारिसम सेटाइवा जिसका नाम है बॉटनिकल, इज एसोसिएट विद विच फूड इंटॉक्सिकेशन। कौन सा फूड इंटॉक्सिकेशन हो जाता है किससे, अगर खसेरी दाल आप यूज
करते हो, तो इसको बोलते हैं लेथारिज्म। लेथारिज्म ये कंडीशन होती है जिसमें ये क्या करती है, ये जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पैरालिसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस जो दाल है खसीरी दाल, उसको क्या नहीं करना चाहिए, यूज नहीं लेना चाहिए। इससे कौन सी इंटॉक्सिटीसी हो जाती है, लेथारिज्म टॉक्सिटीसी हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डेंजर जोन ऑफ टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। फूड को अगर हम रेफ्रिजरेट करते हैं तो कौन सा डेंजर जोन होता है, हमने पहले भी ये पढ़ लिया है, डेंजर जोन कौन सा होता है, ठीक है, ऐसा जोन जिसमें अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, डिग्री सेल्सियस में था, यहाँ पर ये क्या है, फॉरेनहाइट में, सॉरी वो फॉरेनहाइट में था, कितना था, 40 से लेकर 140 डिग्री फॉरेनहाइट था, ये सेल्सियस में थी। इसकी रेंज कितनी होती है, 5 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस रहती है, ठीक है। डेंजर जोन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ B3 डेफिशिएंसी आर, जो B3 होता है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से क्या फीचर्स आते हैं किसी पर्सन में, क्या कमी हो जाती है उसमें, तो उसमें होते हैं ये 3D होते हैं उसमें, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। इसमें हम एक और ऐड कर लिया है और वो होता है 4D। 4D का मतलब अगर ये तीनों कंडीशन कंटिन्यूस बनी रहती है तो क्या हो जाता है, 4D की सिचुएशन भी आ जाती है, जिसको बोलते हैं डेथ, ठीक है। तो ये तो है क्या, B3 की कमी की वजह से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D के नाम से जानते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम ऑफर, मिड डे जो मील प्रोग्राम है, ठीक है, बच्चों को स्कूल में दिया जाता है मिड डे मील, जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, हाफ ऑफ डेली प्रोटीन, जो डेली प्रोटीन होता है उसका हाफ प्रोटीन दिया जाता है, एंड 1/3 ऑफ कैलोरीज, ठीक, और उसमें कितनी कैलोरीज होती है, 1/3 कैलोरीज होती है। टू ए चाइल्ड अंडर 6 ईयर ऑफ एज ICDS प्रोवाइड, ICDS है वो 6 ईयर के जो बच्चे हैं, 6 ईयर से कम के, उनको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, कितनी प्रोटीन देता है, तो आपको ध्यान में रखना है 500 किलो कैलोरी और 12 से लेकर के 15 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। टू सीवियर माल नरिश चाइल्ड, जो सीवियर माल नरिश चिल्ड्रंस होते हैं उनको कितना ICDS प्रोवाइड करता है, तो वो देता है 800 किलो कैलोरी और 20 से लेकर 25 प्रोटीन दी जाती है। टू प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर और जो प्रेग्नेंट मदर है उसको ICDS कितना प्रोवाइड करती है, तो 600 किलो कैलोरी और 18 से लेकर 20 प्रोटीन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड फॉर एल्डर, एल्डरली के लिए कितनी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ये आपको ध्यान होगा, डेली आयरन रिक्वायरमेंट एल्डरली को कितनी होती है, कम की जरूरत पड़ती है, किसको, एडल्ट से इनको कम आयरन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इसलिए। और डेली प्रोटीन कितनी रिक्वायर होती है, 1 ग्राम डेली प्रोटीन की जरूरत होती है, और कैल्शियम की कितनी होती है, 1 ग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये भी कुछ की फीचर्स है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है, जिनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। ना ही ये BPCCS कोर्स के अलावा और भी जो भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे नर्सिंग के हो गए, एम्स के हो गए, ठीक है, तो उनमें भी इन क्वेश्चंस के आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो आप ये क्वेश्चंस एक बार जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के और क्वेश्चंस लेकर फिर आऊंगी मैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय।